दोस्तों, क्या आप गोकृति स्टार्टअप के बारे में जानते हैं, जिसकी शुरुआत 2017 में भीमराज शर्मा के द्वारा जयपुर से की गई थी। दरअसल भीमराज शर्मा ने अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़े हुए 30 लाख रुपए को इन्वेस्ट करके गोकृति नाम से अपनी एक कंपनी की शुरुआत की, जिसमें ये गाय के गोबर, यूरिन और कॉटन वेस्ट को यूज करके कागज को तैयार करते हैं। इनकी कंपनी के द्वारा बनाए गए कागज में ये बीजों को डालते हैं ताकि इसे यूज करने के बाद इसे प्लांट भी कर सकें। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार भीमराज शर्मा 10 रुपए किलो गोबर को खरीदते हैं और इससे बनाए हुए प्रोडक्ट्स पर 50% का प्रॉफिट कमाते हैं। इनकी ये कंपनी आज गोबर से 70 से भी ज्यादा स्टेशनरी प्रोडक्ट्स को तैयार कर रहे हैं और आज इनकी इस कंपनी का सालाना टर्नओवर लाखों में है और ये अपने आसपास के कई लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर दोस्तों आपको इनकी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आपके माइंड में भी कोई ऐसा स्टार्टअप आइडिया है जिसके बारे में आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।